600 साल पुराने भारत में जब सल्तनत का राज था, सिकंदर लोदी साहब ने, ये रविदास महाराज को अपना गुरु मानते थे और रविदास जी के नाम से 12 एकड़ जमीन दिल्ली में तुगलकाबाद में ये लोदी जी ने ये रविदास मंदिर के लिए दी थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वहाँ पर मंदिर था और 7/12 में जो महसूल का ये कागज़ आता है उसमें उस मंदिर की और 12 एकड़ ज़मीन की नोंद है। इसके बाद में 1959 में बाबू जगजीवन राम ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया उसका, और वो जीर्णोद्धार के बाद में उन्होंने उद्घाटन किया उस मंदिर का। जबकि 600 साल की परंपरा होते हुए ये ज़मीन को 600 साल की परंपरा है, वहाँ पर 150 साल से मंदिर स्थापित है, और ऐसा होते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झूठे दस्तावेज पेश करके वो ये एक्चुअली दिल्ली विकास प्राधिकरण ये भूमाफिया है, भूमाफियों के साथ में मिलकर पूरी 12 एकड़ ज़मीन हड़प ली। वहाँ जो रविदास जी का मंदिर था वो मंदिर तोड़ दिया और वहाँ पर उनका अलग प्लान है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरे भारत में हम 21 से 22 करोड़ चर्मकार लोग हैं और ये 22 करोड़ चमार जब रास्ते पे उतर जाएंगे, आएंगे रापी और आरी लेकर, तो दिल्ली सरकार को भागने को जगह नहीं मिलेगी। हम अभी प्रेम से समझा रहे हैं, शांतता के साथ में, और हमारा कायदा और सुव्यवस्था पे विश्वास है करके आज शांतता से आंदोलन कर रहे हैं। वरना ये आंदोलन, ये जैसा जैसा इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो ये आंदोलन बिगड़ता जाएगा और जो कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न आएगा तो उसे सरकार जिम्मेदार रहेगी। ये आंदोलन सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसमें करोड़ों लाखों के संख्या में लोग रास्ते पे उतर आए हैं और महाराष्ट्र में पूरे हर जिले में, हर तहसील में मोर्चे, धरने, आंदोलन, निदर्शन किए जा रही है। हमारी सरकार से गुजारिश है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारी मांग यानी क्या है, हम सत्य मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं। जो सिकंदर लोदी ने जो ज़मीन 600 साल पहले दी थी, इनका क्या अधिकार बनता है वो ज़मीन छीनने का? ये भूमाफिया है और इनके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे, मोर्चे निकालेंगे, और इस पर भी नहीं हुआ तो हम इस सरकार पर धावा बोल देंगे और इस सरकार को भागने को जगह नहीं मिलेगी। हमारी गुजारिश है, मैं डॉक्टर गोपाल बच्छीरे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ का मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष। हमने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि हमारा मंदिर 600 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है, कि जो भारत स्वतंत्र होने से पहले था वो मंदिर तोड़ दिया, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारा मंदिर की जगह हमें वापस नहीं मिलेंगी या उसका हक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम ये आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शांति से कर रहे हैं, पर हम जब हमारी शांति का भी अस्वीकार किया गया तो हम अहिंसा पे उतर आएंगे। अभी ये हमारा आंदोलन अहिंसक है और बुद्ध, भीम, रविदास, शिवाजी महाराज, इन सबके तत्वों पर हम ये आंदोलन कर रहे हैं और 85% बहुजन समाज एकत्र आएगा अभी, और फिर ये आंदोलन हम क्या है वो इस सरकार को करके बताएंगे। जय भीम, जय रविदास,